तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन में मैं आपको बता दूं, जो पूरा एडसॉर्प्शन हमने पढ़ा है, इस पूरे एडसॉर्प्शन में अगर क्वेश्चन आता है तो या तो वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे आता है मोस्टली, या फिर जो क्वेश्चन आता है वो डिफरेंस बिटवीन फिजी एंड केमीज ऑप्शन पे आता है। तो जब आप एडसॉर्प्शन की तैयारी करें तो जरूर से जरूर आपको प्रेशर का इफेक्ट अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि काफी ज्यादा बार बोर्ड्स में उस पर से क्वेश्चन आए हुए हैं। एंड उसके अलावा आपको जो फिजी एंड केमीज ऑप्शन है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। तो जो प्रेशर के इफेक्ट है, पहले तो मैं आपसे जनरल बातचीत कर लेती हूँ कि प्रेशर का इफेक्ट कैसे होगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर हम गैसेस को किसी सॉलिड सरफेस पे एडसॉर्ब करवा रहे हैं तो जाहिर है प्रेशर हमको ज्यादा देना ही पड़ेगा। जैसे कि देखिए, ये एक खाली मैदान है। खाली मैदान मतलब मैं खाली मैदान यहाँ किसको बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं खाली मैदान बोल रही हूँ सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट को। सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट खाली पड़ा है, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, आजाद होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स पे अगर प्रेशर डाला जाए और इन मॉलिक्यूल्स को धक्का लगाया जाए कि वो इस सरफेस से चिपक जाएं, तो जाहिर है रेट ऑफ एडसॉर्प्शन यानी कि स्पीड और एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन दोनों ही चीजों पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। तो इसी चीज को हम बोलते हैं, पहले मैं आपको एक आध टर्म ऐसी कोई है जिससे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। एक टर्म होती है एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। अब एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन होता है एक्स बाय एम, जहां पे एक्स क्या चीज होती है, एक्स होता है एडसॉर्बेट का मास, एडसॉर्बेट का मास। आई होप यू रिमेम्बर एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेट। लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था एडसॉर्बेंट ये सरफेस होता है जो एडसॉर्ब करता है और एडसॉर्बेट वो मटेरियल होता है जो एडसॉर्ब होता है। तो एक्स एडसॉर्बेट का मास है एंड एम जो है वो एडसॉर्बेंट का मास है, ठीक है। तो एक्स बाय एम एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन कैसे हुआ, अगर मैं कोई दो सरफेसेस पे एडसॉर्प्शन ट्राई कर रही हूँ, दोनों का मास बराबर है लेकिन एक पे एडसॉर्प्शन सपोज ज्यादा होता है एक पे कम होता है, तो एक्स बाय वैल्यू, एक्स बाय एम की वैल्यू उस वाले सरफेस के लिए ज्यादा हो जाएगी जिसका एक्स ज्यादा है, और जिसका एक्स कम है, लेसर वैल्यू है जिसके लिए एक्स की, उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, बिकॉज इट इज अ रेशियो। अगर ज्यादा गैस एडसॉर्ब होगी तो एक्स बाय एम की वैल्यू भी ज्यादा होगी फॉर द सेम मास ऑफ एडसॉर्बेंट, और अगर कम गैस एडसॉर्ब होगी तो एक्स बाय एम की वैल्यू भी कम होगी फॉर द सेम मास ऑफ एडसॉर्बेंट। इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। अब इसको एक टिपिकल टाइप का एक ग्राफ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्री एंडलेज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। इसको हम बोलते हैं फ्री एंडलेज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, ये इसको बोला जाता है। अब ये जो ग्राफ हमको स्टडी करना है, ये ग्राफ किस किस के बीच में है, ये ग्राफ है एक्स बाय एम यानी कि एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन या अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब वर्सेस प्रेशर पी, प्रेशर पी के बीच में है। अब एक बात बताइए, प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो ज्यादा से ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब होते चले जाएंगे। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब होते चले जाएंगे। शुरुआत में ये रेट काफी अच्छी होगी क्योंकि मैदान खाली पड़ा है, यहाँ पे अभी कोई गैस मॉलिक्यूल्स है नहीं, तो जितने प्रेशर से गैस मॉलिक्यूल्स को हिट करवाएंगे ना सरफेस पे, उतना ही एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन बढ़ेगा। तो शुरुआत में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन अगर काफी सारी एडसॉर्प्शन साइट्स, एडसॉर्प्शन साइट्स मैंने यहाँ नया वर्ड यूज किया है, एडसॉर्प्शन साइट्स को आप वैसे समझ सकते हैं जैसे आप सभी ने ना बचपन में एक गेम खेला होगा जिसका नाम होता है ब्रेन वीटा। ब्रेन वीटा में छोटे 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 ऐसे होल्स होते हैं या डिप्रेशन होते हैं जिसमें कंचे जो है वो फंसाने होते हैं, दैट इज हाउ दैट गेम वर्क्स। तो उसी तरह की चीज है कि एडसॉर्प्शन साइट्स होती हैं जिसे छोटे छोटे हम मान सकते हैं कि छोटे छोटे डिप्रेशन हैं या होल्स हैं या कैविटीज हैं या उसके अंदर हम ये गैस मॉलिक्यूल्स को फिक्स करवा रहे हैं, दैट इज व्हाट एडसॉर्प्शन इज, सरफेस पे फिक्स करवा रहे हैं। तो
अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे तो शुरुआत में तो खाली पड़ा है ना एड्सॉर्प्शन साइट सारी, तो शुरुआत में तो फटाफट एड्सॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा प्रेशर के बढ़ने से। लेकिन वॉट इफ अगर सारी साइट से फुल हो जाती हैं, अब वो जितनी भी साइट से जिन पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है वो सब फुल हो गई, मतलब जिनकी कैपेसिटी भर गई, अब प्रेशर बढ़ाने से क्या होने वाला है? कुछ नहीं, प्रेशर बढ़ाने से एक्स वाई एम कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो ये ग्राफ को हम दो टुकड़ों में पढ़ सकते हैं। पहला पार्ट है एट लो प्रेशर, हमारा पहला पार्ट है एट लो प्रेशर। लो प्रेशर यानी वो रेंज जब प्रेशर कम था, ये रही वो रेंज जब प्रेशर कम था। देख सकते हैं कि कम प्रेशर के टाइम पे अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो x बाय एम की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है, यानी कि x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू द पावर 1, विच इज x बाय एम इज इक्वल टू के पी 1। x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू द पावर 1 और x बाय एम इज इक्वल टू के पी 1। अगला हमारा है एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर। अब देखिए हाई प्रेशर पे क्या होगा कि x बाय एम बिकम्स कॉन्स्टेंट विद द इंक्रीज इन प्रेशर। ये वाली रेंज है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि सारी की सारी एड्सॉर्प्शन साइट्स, मोस्टली सारी एड्सॉर्प्शन साइट्स भर चुकी हैं, बची ही नहीं है। ब्रेन वीटा के गेम में अगर जितनी भी कैविटीज है वो कंचों से फिल हो गई हैं, एक दो चार कैविटीज बच रही हैं, तो अब आप प्रेशर भी बढ़ाओगे तो जगह ही नहीं है उनको फिट करने के लिए। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, जगह ही नहीं है, जगह तो सारी भर गई। तो उसलिए जो x by m होता है वो बढ़ते हुए प्रेशर के साथ कांस्टेंट हो जाता है। तो व्हाट वी कैन राइट इज x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू द पावर 0। 0 मींस ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। सो x by m इज प्रोपोर्शनल टू p रेज टू द पावर 0 और वी कैन राइट x by m इज इक्वल्स टू kp 0। तो ओवरऑल अगर लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर के एक्सप्रेशंस को मैं सपोज कंबाइन करती हूँ तो क्या होने वाला है, इन दोनों को कंबाइन करने पर मेरे पास एक कॉमन एक्सप्रेशन आ सकता है, और वो कॉमन एक्सप्रेशन होगा कि पूरी टोटल रेंज के लिए x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू 0। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, इट एंड्स विद 0। सो एक एक्सप्रेशन फ्रीएंडेलिच ने बनाया था और वो एक्सप्रेशन था x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू द पावर 1 बाय n। अब ये 1 बाय n क्यों ला दिया, अब ये तो इन्होंने ला दिया, मैं आपको समझा देती हूँ कि ये इन्होंने 1 बाय n किसको बोला है। x बाय m इज इक्वल्स टू p रेज टू द पावर 1 बाय n, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। आई होप आप सबको ये विजिबल है ये सारी चीजें। अगले पेज पे मैं आपको ये एक्सप्रेशन सॉल्व करके दिखाती हूँ और प्रॉपर एक्सप्रेशन हम डिराइव करेंगे। वो एक्सप्रेशन है x बाय m इज इक्वल्स टू के पी रेज टू द पावर 1 बाय n, वेयर द वैल्यू ऑफ n इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। द वैल्यू ऑफ n इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्या मतलब है इसका, देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, सो पहला वाला एक्सप्रेशन। अगर n की वैल्यू बढ़ती है तो ये 1 बाय n की वैल्यू कम होती चली जाती है, और जब n की वैल्यू इन्फिनिटी आती है तो 1 बाय n की वैल्यू 0 हो जाती है। तो द वैल्यू ऑफ n इज इधर ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो ये हमारे एक्सप्रेशन आ गए। फिजिकल केमिस्ट्री जिनको अच्छी लगती है उनके लिए इस एक्सप्रेशन में कोई खास बात ही नहीं है, बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है, टफ तो इसको किसी एंगल से नहीं बोला जा सकता है। बस आपको ये याद करना है एक्सप्रेशन x by m is equals to kp raised to the power 1 by n, where n is either greater than or equal to 1. इसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं, और इंक्लूडिंग ग्राफ also, free Hundlich adsorption isotherm, free Hundlich adsorption isotherm। अब जरा log की बात कर लेते हैं कि log कैसे लेना है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लॉग के साथ लिखूं तो लिखूंगी लॉग एक्स बाय एम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स इज इक्वल्स टू लॉग के प्लस 1 बाय एन लॉग पी, देन
एक और ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं, जो कि होगा log x by m में एंड log p में। ये मैं आपको ग्राफ क्यों प्लॉट करवा रही हूँ, ये ग्राफ जनरली बोर्ड एग्जामिनेशंस में नहीं पूछा जाता है, बट क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव्स आने लगे हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि स्लोप ऑफ द ग्राफ, इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन दिस एंड दिस द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ द ग्राफ वुड बी, तो यू शुड बी यू नो वेरी वेरी परफेक्ट इन स्केचिंग द ग्राफ्स एंड नोइंग द वैल्यू एंड फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ स्लोप्स एंड इंटरसेप्ट्स एंड ऑल। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से सीखनी है, अगर अभी नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। और जिनको आती है उनको समझ में आ रहा होगा चार तरह के ग्राफ होते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस एक्स, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस एक्स, व्हाटएवर। तो ये जो ग्राफ होते हैं इसमें से ये एक्सप्रेशन कौन से के साथ मैच करता है, ये जरा आप टैली करिए कि ये एक्सप्रेशन किसके साथ मैच करता है। y इज इक्वल्स टू लॉग पी इज एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स बोल रहे हैं, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, सी इंटरसेप्ट होता है। तो ये ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा, ये ग्राफ एक इंटरसेप्ट छोड़ के स्टार्ट होगा और फिर बढ़ने लगेगा जहां इस इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी लॉग के, इंटरसेप्ट की वैल्यू ये लॉग के मैंने कॉपी कर दी है, और स्लोप की वैल्यू होगी 1/n। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव आते हैं, ये स्लोप है, ये पोर्शन जो है ये वाला पोर्शन ये होता है स्लोप, ये देखिए ये m है, ये x है, ये c है, दिस इज y। तो इसको फ्री अंडरलिच एब्जॉर्प्शन कर्व भी बोलते हैं, और यही बस, दिस वाज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आपको इतना याद रखना है, पहले लो प्रेशर्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रेशर के साथ में, हाई प्रेशर्स पे क्योंकि सारी जगह भर जाती है तो जो प्रोपोर्शनिटी है, जो डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाती है, इट बिकम्स कॉन्स्टेंट। तो ये छोटा सा हमारा टॉपिक था जो हो गया है खत्म। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एब्जॉर्प्शन। अब क्या होता है ना बच्चों कि टेम्परेचर का इफेक्ट दोनों तरीके के एब्जॉर्प्शन, यानी कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन पे अलग अलग होता है। टेम्परेचर का इफेक्ट फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन पे अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है, क्योंकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट के बीच की फोर्सेस होते हैं वो तो वैन डर वाल होते हैं, और केमिकल एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट के बीच के जो फोर्सेज होते हैं वो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। तो जब दोनों के बॉन्ड्स के नेचर में ही डिफरेंस है तो जाहिर है कि टेम्परेचर का इफेक्ट तो अलग अलग होगा ही। तो यहाँ पे मैं ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, x बाय m वर्सेस टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखो कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना भाई, तो गैस तो उड़ा रहे हो आप, मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो, उनको कह रहे हो उठो उड़ो भागो, तो फिर उस केस में क्या होगा, एड्सॉर्प्शन का जो डिग्री है वो लेसर 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 होता जाएगा, गैस मॉलिक्यूल्स को आप उड़ाए जा रहे हो। तो देखिए एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने के साथ घट रहा है, क्योंकि आप गैस मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी दे करके भगा रहे हो। अब आती है बात केमिकल एड्सॉर्प्शन की। अब देखिए केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, सिर्फ हम टेम्परेचर का ही इफेक्ट पढ़ रहे हैं। केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, इनिशियली टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता है, बाद में ज्यादा ही टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन घटने लगेगा। अब बात यह है कि इनिशियली क्यों बढ़ रहा है, इनिशियली एड्सॉर्प्शन क्यों बढ़ रहा है, इनिशियली एड्सॉर्प्शन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि केमिकल नेचर ऑफ बॉन्ड्स हैं बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट,
और जब एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट के बीच में केमिकल नेचर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर चाहिए होता है। अब कुछ बच्चों को एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पता होगी तो ये आपके आगे आने वाली यूनिट्स यानी कि केमिकल काइनेटिक्स में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। मीनवाइल मैं आपको बता देती हूँ, लेमैन लैंग्वेज में भी, डेली रूटीन की लैंग्वेज में भी हम एक्टिवेशन एनर्जी को किस तरह से बोलते हैं, हम बोलते हैं अरे यार कोई काम जब हमसे थोड़ा सा हमसे मुश्किल लगता है ना होना, या कोई हम जब नया काम करने लगते हैं अपनी लाइफ में तो हम कहते हैं कि हमें एक एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, दैट मीन्स दैट इज एन एनर्जी बैरियर। और ये सब बहुत इजी कंसेप्ट है, केमिकल काइनेटिक्स में आपको एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप इसको ये समझ लीजिए कि एक वो मिनिमम एनर्जी बैरियर होता है जो क्रॉस करना ही पड़ता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने के लिए। तो इसीलिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनिशियली क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस होने में मदद पड़ती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्ट करने के लिए एनर्जी मिल जाती है। बट वंस द बॉन्ड्स आर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेट फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे आप फिर टेम्परेचर बढ़ा जा रहे हो तो वही बॉन्ड्स जो बन गए थे ना वो आपकी लगातार हीट देने की वजह से वापस टूटने लगेंगे और एडसॉर्प्शन से डिसॉर्प्शन होने लगेगा, एक्स बाय एम वापस घटने लगेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट एडसॉर्प्शन, बहुत सिंपल सा टॉपिक था, इसमें तो कुछ खास था ही नहीं। जहां तक एप्लीकेशंस की बात आती है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि एडसॉर्प्शन का यूज होता है कोल माइंस की जो लेबर होती है वो जो फेस मास्क लगा के जाती है उनके मास्क में, जो मास्क होते हैं उसमें फिल्टर्स होते हैं जिसमें एक्टिव चारकोल होता है, तो एडसॉर्प्शन करके वो हार्मफुल गैसेस को रोक लेते हैं। उसके अलावा ह्यूमिडिटी कंट्रोल होती है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल होती है सिलिका जेल से जो नए नए कंटेनर्स में पड़े होते हैं छोटे छोटे पाउचेस, तो उससे वो गीले नहीं होते अंदर से, तो वो भी एडसॉर्प्शन करते हैं। सिलिका जो है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल्स जो है वो एडसॉर्प्शन करते हैं फॉर रिमूविंग मॉइस्चर। उसके अलावा ब्राउन शुगर से व्हाइट शुगर कैसे बनती है, ब्राउन शुगर से व्हाइट शुगर बनती है जब उसे चारकोल बेड पे ब्राउन शुगर के सोल्यूशन को दौड़ाया जाता है, मतलब फ्लो करवाया जाता है, और जो ये जो चारकोल बेड होता है ये कलरिंग मटेरियल को एडसॉर्ब कर लेता है। ऐसे ही बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस हैं एडसॉर्प्शन के, जैसे क्योरिंग डिजीजेस में होता है, ड्रग्स यूज्ड टू किल जर्म्स बाय गेटिंग एडसॉर्ब्ड ऑन देम, सो देयर आर सेवरल मेनी। हम देखने बैठेंगे हमारी लाइफ में तो एडसॉर्प्शन के हमें इतने एग्जांपल्स मिलेंगे कि हमारी गिनती ही खत्म नहीं होगी। तो इस तरह से आप भी डेली लाइफ की एक्टिविटीज से इस प्रोसेस को रिलेट करिए और इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।